हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीरा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुकीज शेयर कर रही हूँ। बहुत ही हेल्दी कुकीज है ये और झटपट बन जाती है। आइए इसे बनाते हैं और विदाउट ओवन बनाएंगे इसे। कुकीज बनाएंगे हम रागी के आटे से, जिसे नाचनी का आटा भी बोला जाता है। ये बहुत हेल्दी होता है, वेट लॉस में भी बहुत काम आता है और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। इसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी बटर लिया है, अनसॉल्टेड बटर लिया है मैंने यहाँ। आपके पास अगर सॉल्टेड है तो आप सॉल्टेड भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। बटर को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें हम एक कटोरी डालेंगे पाउडर शुगर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे फेंट लेंगे। इसमें ये देखिए शुगर वो अच्छे से फेंट लिया है, इसमें बटर में शुगर पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा, छलनी में से छान के डाल लेंगे। एक कटोरी रागी का आटा, सेम क्वांटिटी में लिया है। वन टीस्पून लेंगे हम बेकिंग पाउडर। इसमें डालेंगे हम वेनिला एसेंस फ्लेवर के लिए। हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। आवश्यकता अनुसार हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे। दूध हम ठंडा ही लेंगे, पहले हम मिला के देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो दूध डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे हम, ज्यादा नहीं डालना है हमें, 2 से 3 टीस्पून आवश्यकता अनुसार ही डालना है हमें, देख देख के डालना है। थोड़ा सा दूध और डालेंगे हम, हाथ पे लेके डालेंगे ताकि ज्यादा न डल जाए। ये देखिए डो हमने लगा लिया है, दूध बिल्कुल थोड़ा सा लगाया है इसमें। प्लास्टिक लेंगे, डो को रखेंगे, इसके ऊपर हम दूसरा प्लास्टिक रख देंगे, इसे प्लेन कर देंगे। इसे हम बराबर कर लेंगे। इस तरह से जितना मोटा पतला रखना है आप रख सकते हैं, इसे कोई भी शेप दे सकते हैं आप, राउंड में भी दे सकते हैं इसे। इसे हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे इस तरह से। बेल लेते हैं, देखिए थोड़ा मोटा ही रखना है। यहाँ मेरे पास डार्क चॉकलेट है, चॉकलेट को इसके ऊपर डाल देंगे। मैंने इसे चॉप कर लिया है, अगर आपके पास चोको चिप्स है तो आप चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। फैला लेंगे इसे अच्छे से सभी जगह से। हल्के हाथ से दोबारा से हम बेलन की सहायता से इसे बेल देंगे, ज्यादा नहीं बेलना है हमें, ये देखिए, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इतना ही हमें हल्के हल्के हाथ से इसे बेलना है। ये देखिए ये अच्छे से चिपक गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
मैं इसके स्क्वायर में काट रही हूँ। साइड का हटा देती हूँ। इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसके मैं ज्यादा बड़े पीसेस नहीं कर रही, इस तरह से स्क्वायर में कर रही हूँ। साइड का हटा देंगे। ये देखिए स्क्वायर बिस्किट बनाए। इसी तरह से हम सभी को कट कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ विदाउट ओवन बना रही हूँ, ओवन में नहीं बना रही हूँ, कढ़ाई में बनाएंगे। मैंने प्लेट में ग्रीस कर लिया है और एल्युमिनियम फॉइल पे भी ग्रीस कर लिया है। इसमें जो हमने कट करके रखी है कुकीज वो रख लेंगे। मैंने यहाँ कढ़ाई को पहले से ही प्री हीट पे रखा है, गरम कर रखा है अच्छे से। ये काफ़ी गरम है, इसलिए हम कुकीज को रख देते हैं और ढक कर इसे कुरकुरी होने तक, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक बेक करेंगे। जब तक हमारी कढ़ाई वाली कुकीज बेक नहीं हो रही तब तक हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये मेल्ट ना हो। चॉकलेट इसके ऊपर जो हमने डार्क चॉकलेट रखी है वो मेल्ट ना हो, इसलिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी बेक करने से पहले। कुकीज को हम चेक कर लेते हैं। मुझे यहाँ 20 मिनट हो गए हैं, 20 से 21 मिनट लग जाते हैं इसे कुक होते हुए। ये देखिए बेक हो गए हैं, आप देख सकते हैं पीछे से काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। अभी हल्का हल्का आपको नरम लग रहा है, हल्का हल्का ये बाहर कुरकुरे हो जाएंगे बिल्कुल ठंडे होने के बाद। आपको यहाँ एक दो मिनट आगे पीछे टाइम लग सकता है, आप चेक कर लें कि पीछे से आपके अच्छे से कुक हो गए हैं क्या। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूंगी। हमारी सभी कुकीज बनकर रेडी है, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।